अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला विराजित हो चुके हैं। देश भर में लोगों के बीच जश्न का माहौल है। इस ऐतिहासिक मौके पर पत्रिका.com आपको श्री राम के जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं से अवगत करा रहा है। श्री राम की वनगमन यात्रा अयोध्या से शुरू हुई थी, जिसके बाद वे प्रतापगढ़ प्रयागराज से होते हुए चित्रकूट पहुँचे थे। वनवास के दौरान श्री राम ने सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश के चित्रकूट में बिताया था। यहीं से पन्ना पहुँचने के बाद सारंग पहाड़ी होते हुए नासिक की ओर चले गए थे। चित्रकूट से अमरकंटक तक वे करीब 1450 किलोमीटर चले, जिस पर अब राम वनगमन पथ की योजना को आकार देने की बात चल रही है। अपनी इस वनगमन यात्रा के दौरान भगवान राम ने कामतगिरी पर्वत पर 11.5 वर्ष गुजारे थे। आपको बता दें कि इस पर्वत पर वनवास काल के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। उन्होंने उज्जैन में मौजूद राम घाट पर अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। वहीं मझगवां से 20 किलोमीटर दूर घने जंगल में सरभंग आश्रम के महंत राम शिरोमणि दास के अनुसार वनवासी राम के आश्रम में आतिथ्य करने के बाद सरभंग मुनि ने खुद को योगाग्नि में भस्म कर लिया।